हल्द्वानी में आयोजित वॉइस ऑफ हिल्स प्रतियोगिता में बागेश्वर की नन्ही बालिका तेजस्वी नेगी ने प्रतिभा करते हुए बेस्ट परफॉर्मर का खिताब हासिल किया है। महज 7 साल की इस नन्ही बालिका के आत्मविश्वास ने निर्णायकों व दर्शकों का दिल जीत लिया। पहली बार मंच पर पहुंची इस नन्ही गायिका तेजस्वी नेगी को शौक तो है गाने का, लेकिन उसने आर्मी में भर्ती होकर देश सेवा करने का भी लक्ष्य रखा है। तेजस्वी को गाने के साथ साथ डांस और ड्राइंग का भी शौक है। बेटी की सफलता पर उनके माता पिता भी बेहद खुश हैं तथा भविष्य में प्रतियोगिता में विनर बनने का लक्ष्य रखा है। इस नन्ही गायिका से हमने बातचीत की। CCN न्यूज़ में आज हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए एक नन्ही सी गायिका जिसने हल्द्वानी में आयोजित वॉइस ऑफ हिल्स प्रतियोगिता में बेस्ट परफॉर्मेंस का खिताब जीता है। आज हम बात करेंगे हमारी नन्ही गायिका तेजस्वी नेगी से। बेटा आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। बेटा आपको कैसा लग रहा है, आपको हल्द्वानी में वॉइस ऑफ हिल्स प्रतियोगिता में आपको इनाम मिला हुआ है बेस्ट परफॉर्मेंस का? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा जी। आपको आपने कौन सा गाना वहाँ पर गाया था? पालकी में होके सवार चली रहे और धुर जंगल वाला तो ऐसा रोली। और ये बताओ ना, आप कितनी तैयारी करती हैं इसके लिए, गाने के लिए, सिंगिंग के लिए? जाता हूँ शाम को, कितने घंटे जाता हूँ? एक मिनट। इतनी एक मिनट में इतनी तैयारी कर लेती हैं? वो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो वहाँ कौन आपको कौन ज़्यादा सपोर्ट करता है? यहाँ पर मम्मी ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, पापा सपोर्ट करते हैं गाने में? मम्मी करती हैं। अच्छे, और ये बताओ फिर आपने कौन सा गाना गाया? वो हम गाना हमारे दर्शकों के लिए भी गा दो, जरा वो वाला गाना गा दो। ठीक है। धुर जंगला ग्वाला तू आए सरूली, धुर जंगला ग्वाला तू आए सरूली, तू गली न्याली मेरा सरूम बजू मुरूली, तू गली न्याली मेरा सरूम बजू मुरूली, टकाटक देखण तेरा मुल मुल हासी, टकाटक देखण तेरा मुल मुल हासी, तेरी मेरी जोड़ी सरू राधा कृष्ण जैसी, तेरी मेरी जोड़ी सरू राधा कृष्ण जैसी, धुर जंगला ग्वाला तू आए सरूली, धुर जंगला ग्वाला तू आए सरूली, तू गली न्योली मेरे सरूम बजू मुरूली, तू गली न्याली मेरे सारू मैं बजू मुरोली। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेटा आप तो बहुत अच्छा गाती हैं। एक और गाना, कोई हिंदी गाना आप हमारे दर्शकों के लिए गा सकती हैं? हाँ, कोई बढ़िया वाला गाना। पालकी में होके सवार चली रे,
में चली रे। आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, तो कितनी आप तो काफी प्रैक्टिस करती होंगी, कहाँ जाती हैं आप प्रैक्टिस करने के लिए? मम्मी स्कूल में जाती हैं? नहीं, सास संगीत विद्यालय में जाती हैं। कहाँ जाती हैं? हाँ वही जाता हूँ सास। तो कितनी तैयारी करती हैं वहाँ पर गाने की? थोड़ी सी। थोड़ी सी। और पढ़ाई कैसी लगती है आपको? गंदी। गंदी लगती है? आपको म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है? वो भी गंदा लगता है। गाना तो बहुत अच्छा गाती हैं आप। डांस कैसा लगता है आपको? डांस वो अच्छा लगता है। डांस भी करेंगी आप? करा नहीं करेंगे आपने डांस? डांस अच्छा नहीं लगता? लगता है। ड्राइंग भी अच्छी लगती है। ड्राइंग भी अच्छी? ड्राइंग कर लेती हैं? तो ड्राइंग में भी प्रैक्टिस करेंगी, तैयारी करेंगी आप? कोई कॉम्पिटिशन होगा तो उसमें भाग लेंगी? कॉम्पिटिशन होगा तो, और डांस कम है भी? हाँ तब तो ठीक है, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ नन्ही गायिका तेजस्वी नेगी। तेजस्वी नेगी की माताजी नीतू नेगी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगी। मैडम कैसा, कितनी तैयारी ये करती हैं बिटिया आपकी? सर इसके साथ लगना पड़ता है तब ये करती है, वही मोबाइल से गाना सुन के और उसकी बार बार रिपीट करा के प्रैक्टिस करा के फिर तब करती हैं। अदरवाइज अपने मन से तो अभी क्योंकि बहुत छोटी है तो उतना इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, थोड़ा करना ही पड़ता है, इसके लगना ही पड़ता है इसके पीछे। तो आप यहाँ से हल्द्वानी गए इसके कॉम्पिटिशन के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि थोड़ी इसे कम मिसिंग महसूस करती हैं कि यहाँ पर इतनी तरह की इस लेवल की तैयारियाँ हो नहीं पाती बागेश्वर? जी बिल्कुल, ये तो मैंने बहुत मिस किया। मैंने जब वहाँ प्रोग्राम बच्ची को यहाँ से वहाँ ले गई और मैंने जब वहाँ वो सब चीज़ें देखी जो आयोजन था और जो बच्चे वहाँ छोटे बच्चे काफ़ी बहुत अच्छा गा रहे थे क्योंकि वो सीखे हुए थे तो उनके उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि ये काफ़ी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये चीज़ यहाँ मिस्ड है। अब मुझसे कहा गया है कि आप बच्चों को बहुत अच्छे टीचर से इसको ट्रेनिंग दिलाएं और इसको आगे बढ़ाएं, जितने भी टैलेंट शो होते हैं बल्कि और इंडिया लेवल पे जो होते हैं जैसे इंडियन आइडल वगैरह वहाँ तक ले जाएं। लेकिन बिना प्रैक्टिस के और बिना किसी ट्रेनिंग के हम कैसे ले जा सकते हैं? बागेश्वर में ऐसा कोई है कुछ है ही नहीं माहौल। हाँ मानना माहौल है, यहाँ कोई आयोजन नहीं होता है, कोई कंपटीशन एक उत्तरायणी में होता है बस, उसमें भी फिर वो बड़े बड़े कलाकार आते हैं, ऐसे छोटे बच्चों को उतना नहीं दिया जाता है। प्राइवेट स्कूल में भी वो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन या अपने ही स्कूल के अंदर हुआ तो उसमें बच्चा अपने जो उसके अंदर टैलेंट तो बहुत है, यहाँ के बच्चों में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा हर चीज़ में टैलेंट है लेकिन वो अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं और ना ही उनको ऐसे ट्रेनर्स मिलते हैं। क्या कहते हैं ये जैसे गेम्स का भी है, मेरा बेटा जाता है तो उसको भी उतना मंच नहीं मिलता है कि वो जा सके, थोड़ा बहुत मैच होते हैं इसलिए उस हर चीज़ के लिए उसको बाहर जाना होता है। वैसे हमारी बिटिया को फर्स्ट टाइम इसने स्टेज फेस किया है, अगर यहाँ होता तो शायद कितनी बार ये स्टेज फेस कर चुकी होती, लेकिन वो इत्तेफाक था कि मैं उस ऑडिशन ऑनलाइन हुआ, मैंने कहा चलिए दे देते हैं एक बार। इसने फर्स्ट राउंड क्लियर किया, सेकेंड राउंड क्लियर किया, गज़ल दिया था उसमें न्योली और गज़ल वगैरह, बहुत टफ था इसके लिए लेकिन इसने 48 घंटे के अंदर अंदर सीख के उसने दिया तो ये पास हो गई, उसमें फ़ाइनल पे पहुंच गई। अब फाइनल में भी ले जाने के लिए अब प्रैक्टिस किससे कराओ? यहाँ आए हम बागेश्वर तो कहाँ ले जाओ, किस टीचर के पास ले जाओ? साहस अकेडमी एक एकमात्र यहाँ पे सिंगिंग जो कराते हैं प्रैक्टिस कराते हैं, एक वो हैं, एक क्लासिकल वाले हैं, वो तो प्योर क्लासिकल हैं। अब बच्चे अगर प्योर क्लासिकल में जाएं तो फिर बाकी चीज़ में पीछे रह जाते हैं और वहाँ जाते हैं तो वो क्लासिकल बेस जो बेसिक आना चाहिए वो चीज़ नहीं रहती है, तो ये बहुत टफ है। यहाँ अगर ऐसा कुछ होता तो शायद यहाँ के बच्चे बागेश्वर का काफ़ी नाम रोशन करते। तो मैडम आपको कब लगा कि जब तेजस्वी जब शुरुआत में गाती थी तो आपको कब ये लगा कि ये इसका टैलेंट इसमें है, सिंगिंग का टैलेंट है? सर ये 5 साल की थी, बहुत छोटी थी उस टाइम पे, तो उस टाइम दक्ष कार्की जी का गाना आया था सुन ले दगड़िया,
तो ये भी उस चीज़ को गाती थी। तो मुझे लगा जब मैंने इसको सुना तो मुझे ऐसा लगा कि सेम वही कॉपी है, मतलब आप उसको मोबाइल में या कैसे भी सुन रहे थे, मैं इसको फ्रंट पे सुनती थी तो मुझे लगता है जैसे दर्श काकी सामने से खड़ा है। इतना मीठी आवाज़ उस टाइम, तो इसकी इतनी मीठी आवाज़ थी और इतना हु बहू सेम वही, और लय ताल सब चीज़ बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगा कि शायद इसमें है और मुझे इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तब मैं इसको साहस एकेडमी में भी ले गई, बल्कि इसका गाने जो है मैंने अपने दोस्तों को भी सुनाया, तो सबने मुझसे यही कहा कि इसको ट्रेनिंग दिलाओ। लेकिन मेरे सामने वही क्वेश्चन मार्क था कि कहाँ, और यहाँ जो भी ट्रेनिंग्स होती हैं वो टाइम पास जैसा हुआ ज़्यादातर। आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। फिर एक बार यहाँ ऑडिशन हुआ था नरेंद्र पैलेस में, वहाँ भी ले गई मैं उसी दौरान इसको दिलाने के लिए। लेकिन वही है, छोटी बच्ची थी, कभी भीड़ में और लोगों के सामने इसने प्रैक्टिस भी नहीं की, कुछ नहीं किया था, तो नर्वस फील हो गई थी। उस टाइम प्रहलाद मेहरा जी भी वहाँ आए थे, डिगारी जी भी आए थे, उनके सामने इसने एक ही लाइन गई, सुन ले दगड़िया, तब वो एक ही लाइन में समझ गए थे कि ये बच्ची कुछ कर सकती है। तो उन्होंने उस टाइम भी मुझे यही एडवाइस किया था कि हम इसको ट्रेनिंग दिलाएं। लेकिन वही सेम प्रॉब्लम, फिर वो कोरोना आ गया और कोविड की वजह से साल भर का बहुत लंबा गैप हो गया, तो हमारा भी ध्यान हट गया उस चीज़ से। और लेकिन जब ये ऑडिशन आया आयुर्विजन ग्रुप द्वारा जो ये आया, तो इससे इसको एक मौका फिर मिला। और हमने सोचा कि इस टाइम हमारी भी छुट्टियां हैं, उतना ज़्यादा हम लोगों के पास वर्कलोड नहीं है, तो हमने कहा चलो अच्छा मौका है, अब बच्चे को आगे बढ़ाते हैं, तो शायद इसके अंदर जो झिझक है, स्टेज फियर है, वो निकल जाएगा। और वाकई में हुआ यही, जो वहाँ जो एंकर्स थे उन लोगों ने इसको बात, क्योंकि सबसे छोटी उम्र की कंटेस्टेंट थी ये, 7 साल की है केवल, और वहाँ जितने भी बच्चे आए थे 12 साल से ऊपर के बच्चे थे, तो सबसे छोटी कंटेस्टेंट होने के वजह से इसको बहुत मोटिवेट किया गया, बातचीत की गई इससे, पहले गाना गवाया गया सब कुछ, तो ये खुल गई एकदम। और इसका वहाँ जाके इसको भी लगा कि बहुत कुछ मैं कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। तो बच्चे को अगर अगर वो बच्चे को वो मंच मिल जाए और वो चीज़ को देखे कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो आगे बढ़ेगा। और यहाँ क्या है कि बच्चा सीख रहा है घर तक ही सीमित है, वो मंच पे नहीं जा रहा है तो वो एक्सपोज नहीं हो पा रहा है। घर में कितनी ये तैयारी करती है बच्ची? घर में सर वही मैंने बताया कि इसके पीछे लगना पड़ता है, कोशिश तो मैं करती हूँ कि रोज़ उसको टाइम दूँ, लेकिन ये 5 मिनट 10 मिनट गाया फिर भाग जाती है, ये उतना ही प्रैक्टिस चलती है। अब इस बार रेगुलर इसको, क्योंकि इसको मंच मिल गया, इसको भी समझ में आ गया कि क्या कर सकती है और कितना इसको फोकस किया गया और हर हाईलाइट किया गया, तो ये एज ए स्टार थी वहाँ पे, पूरे शो में स्टार थी। और तब से इसको, बल्कि वहाँ लीती में जो बसंत उत्सव है वहाँ के लिए इसको इन्वाइट किया गया है, इसको सम्मान दिया जाएगा, तो अब इसको लगने लगा है कि शायद मेरे को रेगुलर रहना चाहिए। तो अब ये रेगुलर प्रैक्टिस करेगी और वो आई होप सो कि अगले साल ये विनर बन के आए वहाँ से। हमारी शुभकामनाएं बच्ची को। बेटा बोल, आप क्या बनना चाहती हैं आगे को? सिंगर बनना चाहती हैं? नहीं। क्या बनना चाहेंगी? मैं फौज में जाना चाहता हूँ। आर्मी में? वहाँ गोली चलाएंगी? हाँ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये थी हमारे साथ नन्ही बालिका तेजस्वी नेगी, जिन्होंने वॉइस ऑफ हिल्स प्रतियोगिता में बेस्ट परफॉर्मर का खिताब जीता है। और जैसा उनकी परिवार ने, उनकी माताजी ने बताया कि थोड़ा सा बागेश्वर में एक उस तरह का मंच नहीं है, उस तरह का माहौल नहीं है, और उम्मीद है अगर इस तरह के मंच बच्चों को मिले और माहौल मिले तो निश्चित तौर पर ऐसे बच्चे बागेश्वर का नाम जरूर रोशन करेंगे। CCN न्यूज़ के लिए मैं सुरेश पांडे। क्या बात?